अरे देख, सेक्स वीक में सिंपली क्या है, जो गट है ना वो ज्यादा ग्रो करता जा रहा है, लेकिन जो बॉडी कैविटी है उसके अंदर प्रॉपर स्पेस नहीं है, ठीक है। तो उसकी कंपैरिजन में जो गट ट्यूब है, स्पेशली जो मिड गट है, वो बाहर हर्निएट करती है अम्बिलिकल ओपनिंग के थ्रू। तो ये गट ट्यूब है, ये बाहर हर्निएट करेगी 6 वीक के अराउंड, ठीक है। इस टाइप की हर्निएशन को कहेंगे फिजियोलॉजिकल हर्निएशन, जो कि जनरली हो रही है। हाँ, ये क्यों हो रही है? हाँ, क्योंकि और ये जो गट ट्यूब का साइज है ये बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, और कंपैरेटिवली जो सिलोमिक कैविटी है, मतलब जो बॉडी कैविटी है, वो उतनी ग्रो नहीं कर पाती टू अकोमोडेट दीज ऑर्गन्स, ठीक है। इसलिए ये फिजियोलॉजिकल हर्निएशन होता है। कब होता है? 6 वीक के अराउंड होता है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जो मिड गट है उसकी आर्टरी आर्टीरियल सप्लाई बताओ। हाँ, तो एक्सिस, ये जो गट ट्यूब है इसकी एक्सिस क्या होती है? सुपीरियर मेसेंटरिक आर्टरी, ये सुपीरियर मेसेंटरिक आर्टरी है, इसकी एक्सिस के अराउंड गट रोटेशन होगी। इसके ऊपर वाला जो मिड गट का सेगमेंट होता है, इसे कहते हैं प्री आर्टीरियल लिम्ब, ठीक है। और इसके नीचे वाला होगा पोस्ट आर्टीरियल लिम्ब। इतना समझ आ गया? अब देखो, अब क्या, हाँ, लिम्ब कह ले, सेगमेंट कह ले। अब देखो, मैं रोटेट करूंगी क्लॉकवाइज, लेकिन तुम्हें एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, है ना? देख, मैं तो अपने क्लॉकवाइज ही कर रही हूँ और तुम्हें एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है। तो जब लिखते हैं ना पेपर में, इवन इनफैक्ट बुक में लिख रखा है, तो लिखा हुआ 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, तो वो तुम देख रहे हो इसलिए, लेकिन एक्चुअली में जब खुद परफॉर्म करोगे तब 270 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन होगी। तो ये समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखा, मैं बता रही हूँ क्यों, क्योंकि फर्स्टली जब हर्निएट कर रही है, अम्बिलिकल ओपनिंग है ये, इससे हर्निएट कर रहा है बाहर, तो सबसे पहले 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन होगी। मैं अपने लिए क्लॉकवाइज बोलूंगी, ठीक है, लेकिन जब लिखोगे ना, मतलब आंसर नहीं लिखना है ना, प्रैक्टिकल है, तो प्रैक्टिकल सिचुएशन में तुम जब मैम को करके दिखाओगे तो क्या होगा कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन होगी, जिसकी वजह से हुआ क्या, जो ये प्री आर्टीरियल सेगमेंट का है ना, ये राइट साइड पे आ गया, ठीक है। तेरे ये क्लॉकवाइज है, ये प्री आर्टीरियल सेगमेंट है, ये प्री आर्टीरियल सेगमेंट राइट पे आ गया, ठीक है, और ये पोस्ट आर्टीरियल सेगमेंट है। अब क्या हुआ, ये जब, अब वापस जब अंदर आ रहा है, ठीक है, रीहर्निएशन अंदर आ रहा है वापस, तो 90 डिग्री तब रोटेट होगा। अब 90 डिग्री रोटेट होगा तो इससे क्या होगा, ये जो प्री आर्टीरियल, ये वाला हैंड मेरा राइट हैंड प्री आर्टीरियल सेगमेंट है, तो प्री आर्टीरियल सेगमेंट आएगा और कौन सी साइड पे आएगा, नीचे आ जाएगा, समझ आ रही है? हाँ, दोबारा सेकेंड टाइम, ठीक है। अब थर्ड टाइम भी रोटेट करेगा, और अल्टीमेटली क्या होगा, सेकेंड टाइम रोटेट करते करते ये लेफ्ट साइड में आ गया, मतलब प्री आर्टीरियल सेगमेंट लेफ्ट साइड पे आ गया। एक बार फिर से करके दिखाऊंगी तब क्लियर होगा, ठीक है। और थर्ड डिग्री जब रोटेट होगा तब पोस्ट आर्टीरियल राइट साइड, तो अल्टीमेटली हुआ क्या, प्री आर्टीरियल सेगमेंट लेफ्ट साइड पे ऑक्यूपाई करेगा और पोस्ट आर्टीरियल सेगमेंट राइट साइड पे ऑक्यूपाई करेगा। पोस्ट आर्टीरियल सेगमेंट क्या बनाएगा, सीकम बनाएगा, और जो मतलब पीछे जो 2/3 ऑफ राइट साइड की 2/3 ऑफ ट्रांसवर्स कोलोन है, वो सारा पोस्ट आर्टीरियल सेगमेंट बनाते हैं ना, तो वो राइट साइड में ज्यादा आएगा। सीकम भी देखो राइट साइड में होता है, नीचे राइट इलियोसीकल उसमें, मैं फिर से बताती हूँ, ठीक है। देखिए अभी क्या हुआ था, अम्बिलिकल ओपनिंग है ये हर्निएट किया था 6 वीक में, ठीक है। क्या हुआ, 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, जैसे बुक में लिखा हुआ 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो प्री आर्टीरियल सेगमेंट है वो कहाँ है, या राइट साइड में, क्लियर हो गया। अब और पोस्ट आर्टीरियल लेफ्ट साइड में है। अब नेक्स्ट बारी जब रोटेट हो रहा है, तब ये जो प्री आर्टीरियल सेगमेंट है, साथ ही साथ रोटेट तो हुआ एक बारी, लेकिन साथ ही साथ अंदर आना शुरू कर देता है। तो बेसिकली तुमने ये समझना है कि जो प्री आर्टीरियल सेगमेंट है वो लेफ्ट साइड ऑक्यूपाई करता है, और प्री आर्टीरियल सेगमेंट बनाएगा कौन, जुजुनम बनाएगा, इलियम बनाएगा, है ना, तो ये लेफ्ट साइड में ज्यादा आएगा और पीछे की साइड आएगा, और उसके ऊपर सुपीरियर मेसेंटरिक आर्टरी आएगी। उसके बाद ये जो पोस्ट आर्टीरियल सेगमेंट है ये आएगा फाइनली राइट साइड पे और ऊपर आएगा, ठीक है, और फिर यहाँ पर सीकल बड आएगा और फिर धीरे धीरे नीचे की साइड ग्रो करेगा, और सीकम फिर नीचे जाके फाइनली पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा। आरती, समझाया? पर एक लास्ट टाइम फिर से बताती हूँ, ठीक है। देख, अब ये प्री आर्टीरियल सेगमेंट है, ये पोस्ट आर्टीरियल सेगमेंट है। प्री आर्टीरियल सेगमेंट क्या हुआ, राइट साइड पे हुआ, ठीक
है, अब ये नेक्स्ट रोटेशन में प्री आर्टीरियल सेगमेंट कहाँ आएगा? लेफ्ट साइड। तो मैम बेसिकली पूछेगी कि लेफ्ट साइड पे कौन सा वाला सेगमेंट जाएगा, तो प्री आर्टीरियल सेगमेंट लेफ्ट साइड पे जाएगा और पोस्ट आर्टीरियल सेगमेंट राइट साइड पे जाएगा। और जो प्री आर्टीरियल सेगमेंट है वो बेसिकली क्या बनाएगा, जुजुनम एंड इलियम, कॉइल्स ऑफ इंटेस्टाइन, ठीक है। और जो पोस्ट आर्टीरियल सेगमेंट है वो बेसिकली क्या बनाएगा, सीकम हो गया, जो राइट टू थर्ड ऑफ ट्रांसवर्स कोलॉन हो गया, ये सब पार्ट जो है वो मतलब पोस्ट आर्टीरियल सेगमेंट बनाएगा। और सीकम भी जो है जो सबसे पहले आके ऊपर बनाएगा और उसके बाद फिर ऊपर से नीचे ग्रोथ होगी सीकम, सीकल बड होता है तो ऊपर से फिर नीचे होगा, ठीक है। अब इसका फायदा क्या है पढ़ने का, क्योंकि अगर ये रोटेशन गलत हो जाए, ठीक है, सपोज क्या हुआ कि ये रोटेशन हो ही ना, तो उसकी वजह से जो प्री आर्टीरियल सेगमेंट है वो राइट साइड पे आ जाएगा या पोस्ट आर्टीरियल लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। तो इसकी वजह से जो सुपीरियर मेसेंटरिक आर्टरी है ना, मैं बेसिक बिल्कुल लेमैन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ बिल्कुल, नहीं तो इसके भी सब टाइप्स होते हैं, माल रोटेशन, रिवर्स रोटेशन, नॉन रोटेशन, तो मैं इतना नहीं बता रही क्योंकि अभी मतलब जरूरत नहीं है, ठीक है। तो उसके बेसिकली लेमैन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, तो आर्टरी है जो सुपीरियर मेसेंटरिक आर्टरी वो बीच में फंस जाएगी, जिसकी वजह से प्रेशर बन जाएगा और गट ट्यूब का ल्यूमेन ऑब्लिटरेट हो जाएगा अगर ये गड़बड़ हो जाती है कुछ, या फिर आपस ही आपस में इंटेस्टाइन्स जो है गोल गोल घूम जाए, जिसे वॉल्यूलस कहते हैं। मतलब बेसिक रोटेशन समझ आ गई ना? देख वॉल्यूलस अगर वो आपस ही आपस में इंटेंगल हो जाए, और तीसरा है क्या कहते हैं ओम्फैलोसील, जब ये जो है हर्नियेशन अंदर वापस आए ना, हर्नियेशन जाती कब है बाहर, फिजियोलॉजिकल हर्नियेशन होती कब है, 6 वीक में, और वापस कब आती है, 10th वीक में। अगर ये वापस आए ना तो फिर बाहर एक जो गट है वो सारा बाहर रह जाएगा अम्बिलिकस के बाहर, उस कंडीशन को कहेंगे ओम्फैलोसील। हाँ तो बता रही हूँ ना, एक बार ही देखा वैसे, ये 90 डिग्री, फिर 90 डिग्री, और उसके बाद फिर 90 डिग्री होगा और वापस आ जाएगा। नहीं देख, फर्स्ट 90 तो हो गया भारी भार, फिर जब नेक्स्ट 180 है ना, वो साथ साथ अंदर भी आ रहा है, साथ साथ घूम भी रहा है, मतलब ये ऐसे हो गया बाहर, अब अंदर आ रहा है ये, और साथ साथ आ गया घूमता भी जा रहा है ऐसे, समझ रही है? हाँ, और लेफ्ट साइड पे,